हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए।
उपस्थित सभी मीडिया गण को नमस्कार करूंगा, प्रणाम कहूंगा और हर हर महादेव का। ये सारे चैनलों को देखने वाली जनता जनार्दन को हमारा नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं उमेश सिंह, आप लोगों का चहेता प्यारा खलनायक। जी पूछिए। माटी हमार माई, ये फिल्म का आज मुहूर्त हुआ है, जिसमें हमारे भाई रंगीला लाल जी इसके डायरेक्टर हैं और हमारा ये भाई इसमें हीरो हैं, गौरव झा हीरो हैं और ऋत्विक पांडे जी इसके प्रोड्यूसर हैं। फिल्म बहुत ही प्यारी बनाई जा रही है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर हमारे प्रिंस भाई साहब हैं। इस फिल्म में हमारा छोटा भाई बालेश्वर है, लोटा जी हैं और इसमें संजय पांडे जी हैं। बहुत प्यारी फिल्म बनने जा रही है और ये ऐसे तो हर इंसान कहता है कि लीक से हटके है फिल्म, लेकिन ये पूर्ण रूप से पारिवारिक और एक्शन फिल्म है। बिंदा शुक्ला जी इसके राइटर हैं और बिंदा भैया बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छी उनकी कलम जो है, कुछ भी लिखती है तो आग उगलती है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं इस पूरी टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे इस फिल्म में सेलेक्ट किया है और मेरा चयन किया है। जी हाँ, ये पहली बात तो ये है कि जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, जो भी चैनल हमारे डिस्ट्रीम चैनल, सबको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ और ये मेरी पहली ऐसी फिल्म है जिसमें मैं सेकंड लीड किरदार नजर आऊँगा। इसके अलावा मेरी जो भी फिल्म है वो पवन जी के साथ है, बॉस है और दिनेश जी के साथ मुकद्दर का सिकंदर है और आए हैं बराती बरात लेके। ये तीनों फिल्म मेरी आगामी फिल्में हैं तो अभी इंडस्ट्री में स्टैंड कर रहा हूँ और ये मेरी ऐसी फिल्म है और हिमांशु भाई हमारे हैं जिनके सहयोग से हमें फिल्म मिली है और ना मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ, पूर्वांचल में रहता हूँ, भाई के सपोर्ट से मुझे फिल्म मिली है। इसमें पहली बार मैं सेकंड लीड है तो मुझे काफ़ी खुशी है और फिल्म का नाम भी काफ़ी प्यारा है, पारिवारिक फिल्म है और इतने बड़े स्टार कास्ट सर हमारे सर के साथ काम करने मुझे मौका प्राप्त हुआ, सब कुछ हुआ तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। फिल्म की कहानी के लिए तो अभी ये डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, कहानी नहीं कर सकते। ये ऐसा जनता में आप सूचना दीजिए कि ये फिल्म देखने भारी से भारी संख्या में जाएं और फिर वहाँ इसकी कहानी का पता चलेगा कि ये फिल्म कैसी बनी है। ये पारिवारिक फिल्म है, कॉमेडी है, एक्शन है, पूरा ड्रामा से भरा हुआ है। बिंदा शुक्ला जी अगर इसको लिख रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए कि अपने आप में एक अनूठी फिल्म लिखे हो। ऋत्विक भैया बहुत अच्छे इंसान, बहुत सिंपल इंसान है, बहुत सीधे साधे इंसान है और कहा जाए तो इनकी अभी आगामी कई ऐसी फिल्में हैं जैसे ये फिल्म है, फिर हिंदी फिल्म है, कई फिल्में बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं और सीधे साधे प्रोड्यूसर हैं। अंगलाल जी के साथ मेरा ये पहला काम है और मैंने सुना है कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत ही उम्दा किस्म की फिल्में बनाते हैं, तो इस बार मैं भी उनके साथ में काम करूंगा और उनका कट एक्शन सुनूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हर फिल्मों में आपका गेहर मायने रखता है, कहीं इसमें मेरे राइटर बिंदा भैया ने मेरे लिए एक अलग ही रोल लिख दिया है जो कि लीक से हटके है। अभी तक मैं खलनायकी किया हूँ और खलनायकी का जौहर दिखाया हूँ अपने जनता को। अब इसमें मैं DIG हूँ, पॉजिटिव करेक्टर निभाऊंगा और उस पॉजिटिव में कैसे निगेटिव और कैसे पॉजिटिव और फिर क्या होता है अंत में, देखिए फिल्म माटी हमार माई। जैसे माटी हमार माई तो अपन माटी, भोजपुरी माटी माटी। जी जी, देखिए हमारी भोजपुरी माटी का कोई मोल ही नहीं है, अनमोल है। हमारी ये जो भाषा है इतनी मीठी है, इतनी मधुर है कि इसका कोई मतलब गणना नहीं की जा सकती कि किस मतलब श्रेणी में है। ये हमारी माटी, जो फिल्म का नाम दिया गया माटी हमार माई, वाकई में बहुत प्यारा टाइटल है और एकदम हमारी माटी से जुड़ा हुआ है। यूपी बिहार पूरा भोजपुरी समाज से माटी जुड़े लोग के कितना याद ताजा हुई माटी से, जो दूर बांधे देश विदेश में।
ये हमारे रंगीला भाई जी और बिंदा जी और ऋत्विक जी, प्रिंस जी, ये लोग ये कोशिश किए हैं कि जो हमारे बाहर है, विदेश में जो लोग हैं, जो बाहर हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में हैं, तो जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सभ्यता है और हमारी परंपरा जो है, उसे कायम कैसे किया जाए, कैसे रखा जाए, उसे दर्शाने के लिए इस टाइप की ये फिल्म बना रहे हैं, जो एक पूर्ण रूप से पारिवारिक और एक्शन और ड्रामे से भरपूर है। और जो हमारे भाई बंधु हमारे देश में नहीं है, हमारे देश से विदेश में हैं, लेकिन अपनी माटी के लिए वो तरसते हैं, तो ये फिल्म देखने के बाद में उनको कुछ तो सुकून मिलेगा कि हाँ, मेरी माटी मेरी माई है और मुझे इस टाइप की फिल्म मिली है। कह सकते हैं जो भोजपुरी सिनेमा पे जो आरोप लगते हैं उसका ये मुंह तोड़ जवाब होगा। 100% सर। बात करें फिल्म की नायिका रितु सिंह, आज उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पे ये फिल्म का मुहूर्त किया गया, जी कह सकते हैं जी। ये बहुत शुभ अवसर है कि आज उनका जन्मदिन भी है और ये फिल्म का मुहूर्त है, तो मैं रितु सिंह को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। महादेव उन्हें हमेशा स्वस्थ और मस्त रखें। हैप्पी बर्थडे रितु जी, अगर आप देख रही होंगी या देखेंगी तो हमारा ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपको हमेशा स्वस्थ मस्त रखें। हर हर महादेव। आप किस तरह से रितु सिंह के ऊपर? बस मैं भी यही कहूँगा कि रितु जी के आज के जन्मदिन के दिन पर यह मुहूर्त किया गया है, तो मेरी तरफ से और सभी चैनल की तरफ से मैं यही कहूँगा रितु जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर देख रहे हैं हम लोगों को तो देखिए, और आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, देखते रहिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, मैं इस मूवी का को प्रोड्यूसर हूँ और बाकी तो भैया लोग सब कुछ बता दिए हैं। अभी अब मूवी आने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, कितनी तैयारी, जोर शोर चल रही है? अब जोर शोर से तो सारी टीम परिवार की तरह काम कर रही है, तो उसका कुछ अच्छा ही हुआ होगा। बाकी जब शूट स्टार्ट होगा तो देखा जाएगा, फिर उसके बाद नहीं देखिए, पहले खुलासा कर देंगे फिर रह क्या जाएगा मूवी में। अब मूवी आएगी फिर आप लोग देखिएगा, फिर आप लोग बताइए कैसी हमारी मूवी, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कैसा लगा आप लोगों को ये बताइए आप लोग। पूरी टीम जो आपकी है, क्या कहना चाहेंगे? पूरी टीम में तो हमारे सब भाई लोग हैं, जो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे भैया प्रोड्यूसर हैं ऋतिक पांडे जी, रंगलाल जी हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, और सब जितने भी एक्टर हैं सब लोग अपनी एक्टिंग में वो हैं। अब मूवी बनेगी तो देखिए कैसा होता है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माटी हमार माई विंध्याचल जी, जब इन्होंने लिखा है तो एक अलग ही माटी की खुशबू आएगी। और माटी हमार माई से साफ टाइटल से ही पता चलता है कि ये कितनी सामाजिक और पारिवारिक फिल्म होगी। इसमें रंगलाल जी हमारे, ओ रंगलाल जी, डायरेक्टर साहब, ये हमारे आइए आप महाराज, तो ये हमारे डायरेक्टर साहब है, इनको भी दिखाइए, और पहली बार हम इनके साथ एक्टिंग करेंगे इनके डायरेक्शन में। हाँ, और बस यही अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत सारी गुड विशेष इनके साथ। माटी हमार माई में मैं भी एक अच्छा रोल करूँगा। रामचंद्र जी कहाँ, क्या किरदार है सर? किरदार तो हमको ये बता, बहुत ही गड़बड़ किरदार इन्होंने दिया है, जो मैं जेब कतरा हूँ और हवलदारनी पर मरता हूँ, उनसे मैं दिलो जान से प्यार करता हूँ, और मेरे लिए भी एक हीरोइन इन्होंने दिया है ये, और लोटा, मैं और लोटा दोनों एक पे ही मरते हैं। उनको मैं रिटेक जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, वो ऐसे ही एक फ्रेंड है मेरे, ऐश्वर्या जी, और उनके साथ मिला था। सो रितेक ऋतिक जी को ऑल द बेस्ट, पहली फिल्म है उनकी। एक्चुअल वो तो हिंदी फिल्म बनाने वाले थे, उन्होंने कहा था मैं हिंदी बना रहा हूँ, लेकिन शायद उनका मन बदला है, बीच में एक भोजपुरी शुरू कर रहे हैं। तो फिल्म की पूरी टीम को क्या, मेरा पूरा सहयोग इस टीम के साथ है। बालेश्वर जी हैं हमारे, राजू भाई, राजू श्रेष्ठा जी हैं इस फिल्म में, उमेश जी हैं, और जो भी हमारी जो एक हीरोइन है हमारी, रितु सिंह जी हैं,
सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने बहुत काम किया है और भी काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा काम करते जाइए, अपने परिवार का नाम, अपना नाम, अपने गांव का नाम रोशन कीजिए, खूब तरक्की कीजिए। ऑल द बेस्ट जी। बालेश्वर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी दर्शक लोगों को प्रणाम। और एक अच्छी फिल्म बनने जा रही है, माटी हमार माई, मतलब टाइटल ही बहुत अच्छा है। और बिंदिया शुक्ला जी जो बहुत अच्छे राइटर हैं, एक बहुत पहले मैं इनकी दो तीन फिल्में किया हूँ, तो 100% बहुत अच्छी कहानी लिखी होगी उन्होंने। और रंगलाल जी जो इसके डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं। हम लोग साथ में काम तो नहीं किए, लेकिन एक दो फिल्मों में हम लोग जुड़े रहे, तो उन्होंने भी कुछ फिल्में की हैं, तो इस फिल्म को भी बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे। बस यही चाहूँगा कि एक अच्छी फिल्म बन के आए और दर्शकों को भरपूर मनोरंजन कर पाए। जैसे बालेश्वर सिंह नेगेटिव करते आए हैं, तो इस फिल्म में भी कुछ नेगेटिव रोल ही है इनका, और बढ़िया रोल है, विंध्या भैया ने बड़ा बढ़िया लिखा है। और थोड़ा सा एक हल्का सा ऑनलाइन जानता हूँ, इसलिए पूरा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ये है कि बढ़िया कैरेक्टर है मेरा, विधायक, यंग विधायक। फिल्म के डायरेक्टर जैसे मैंने बताया है कि रंगलाल जी हैं, बड़े यंग हैं, बड़े टैलेंटेड हैं। अभी इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जो रिलीज हुई थी, काफ़ी अच्छा चर्चे में रही, तो हम उम्मीद करते हैं ये फिल्म भी बहुत अच्छी बनाएंगे और ये भी फिल्म जो है चर्चे में रहे और बहुत बड़ी हिट साबित हो। और फिल्म के प्रोड्यूसर तो मतलब कमाल के हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, हम लोग काफ़ी दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, ऋतिक पांडे जी, और उनका एक सपना है कि बहुत बड़ी एक अच्छी फिल्म बनाए हम, जो अभी प्रयास में लगे हैं अच्छी फिल्म बनाने के लिए। हमें उम्मीद है बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे। जय मैया जय सरस्वती, लो मात पिता का नाम, देश प्रेमी सब जनों को विंध्या का प्रणाम। क्या बात है। जैसे कि ये हमारा दो शब्द में ही हमारी पूरी कहानी आ जाएगी। देशवा पे कुर्बान भैया जे हो जाई हो, बलि बलि जई है वो पे हमार माटी माई हो। तो ये जितनी पिक्चरें बन रही हैं, मैं कहता हूँ ये लीक से हटके थोड़ा सा हम लोग कोशिश किए हैं। ऋतिक भैया ने कहा कि हमको इसमें कुछ सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री और पारिवारिक ड्रामा लेके आना है, कि जिसको देखने के बाद पब्लिक को लगे जैसे कि हमारे भोजपुरी में एक विडम्बना सी बन चुकी है कुछ फिल्मों को लेकर के, कि उघाड़पन आ रहा है, फुहड़ता आ रही है। लेकिन हमने इसमें कोशिश किया है कि आपको इसमें एक सामाजिक, पारिवारिक, पूरे फैमिली के साथ बैठ करके इस पिक्चर को आप लोग देख सकेंगे, यही हम लोग कामना किए हैं। और हमारे जैसे के साहब हैं, बालेश्वर जी हैं, उमेश दिया हैं, लोटा तिवारी हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छी फिल्म ऋतिक भैया बनाएंगे और वो पूरा सहयोग दे रहे हैं हमको। मेन होता है पैसा है संसार में, बिन पैसा ना कोई, देखा विंध्या जगत को फिर लिखता सब रोए। तो अगर वो पूरा भरपूर सहयोग देंगे हमारा मजबूत, तो एक अच्छी कहानी हम दर्शकों को दे पाएंगे। कितना अलग होगा माटी की फिल्म, कितना मिलने वाली, और शूटिंग को लेकर के पूरे किरदारों को लेकर जो ताना बाना बुना है, कितना इसमें आपको रिसर्च करना पड़ा इस फिल्म के लिए? सर इस पे मैंने अभी तक आप देखे हैं कि भोजपुरी में सस्पेंस नहीं आया हुआ है, तो इसमें मैंने सस्पेंस लाने की भी कोशिश की है। एक मर्डर मिस्ट्री भी चलती है, और माटी माई जैसे हमारा टाइटल है, तो उसी तरह से हमारी माटी माई के लिए ही सारा षड्यंत्र रचा जाता है। बाकी जो विलेन है इसमें संजय पांडे जी, उन्हीं का किया धरा सब कहानी होती है। और बालेश्वर जी जो किरदार निभा रहे हैं, उनकी एक चचेरी लड़की है जिसको कि वो प्यार करते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए चारों तरफ से षड्यंत्र रचते हैं। बाकी सब अभी नहीं, आप पिक्चर देख करके खुद ही पता लगा लेंगे। बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर की, तो राइटर और डायरेक्टर की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है और विद्रोह भी बहुत ज्यादा होता है। जी हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं रंगलाल जी, बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति भी हैं, तो उन्होंने जैसे हमसे टीम के साथ, हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, तभी आपको एक अच्छी चीज हम ला के देते हैं। और मैं हर प्रोड्यूसर के लिए, अपने प्रोड्यूसर के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि देखो आज कर रहा है बातें मानव ऊंच गगन से, सब कुछ कर सकते हो भाई मेहनत और लगन से। तो हमारी पूरी टीम लग रही है इसी मेहनत और लगन से। आगे आप देखिए पिक्चर माँ माटी माई। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे
मुझे जैसे खुशी होती है या दोहरी खुशी होती है, दुगनी खुशी होती है, वैसे मुझे तिगनी खुशी है। एक तो ये मेरी एक फिल्म का मुहूर्त हुआ है आज, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ। दूसरी खुशी ये कि रंगलाल जी जो मेरे दोस्त हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं, उनकी फिल्म का मुहूर्त हुआ है। और तीसरी खुशी ये है कि प्रिंस, ये भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, तो ये मेरे लिए तीन तिगना खुशी का मौका है। अभी मेरी जो लास्ट फिल्म रिलीज हुई थी दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2, उसमें मैंने एक नेगेटिव रोल किया था। उसके बाद एक बार फिर इस फिल्म में मैं एक और नेगेटिव रोल करने जा रहा हूँ। फिल्म के बारे में काफ़ी आर्टिस्टों ने आपको, काफ़ी लोगों ने आपको बताया है कि इस फिल्म के बारे में इसका मैटर क्या है, किस तरीके की फिल्म है, तो इसके बारे में मेरे ख्याल से मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शुभकामनाएँ हैं इस फिल्म के पूरे स्टार कास्ट को, निर्माता, निर्देशक और जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है प्रिंस, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई फिल्म के मुहूर्त पर, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी चैनल के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस फिल्म को, सभी जितने कलाकार हैं और जितने हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, डायरेक्टर रंगलाल जी हैं और प्रिंस भाई हैं, सबको मैं दिल से शुभकामना देता हूँ। सब बहुत अच्छे हैं, सबके साथ काम किया भी हूँ और कर भी रहा हूँ, अच्छा लगेगा जी। बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मैं भाई के साथ काम करूंगा, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं भैया के साथ अगर काम कर रहा हूं तो। नमस्ते भैया, सबको प्रणाम कर रहा हूं। हमारे सर डायरेक्टर रंगलाल निसादार, मैं मुझे फिल्म में मौका दिए काम करने के लिए, मुझे बहुत खुशी की बात है। और ये मिट्टी से जुड़ी हुई मूवी की कहानी है, आप लोग जाके सिनेमा घर में देख के प्रणाम आप लोगों को। सर बहुत अच्छा। सभी हमारे मीडिया भाई को पहले नमस्कार प्रणाम, और सभी हमारी भोजपुरी श्रोता को और सबको दिल से प्रणाम। मैं क्या कहना चाहूँगा, हमारे प्रोड्यूसर साहब ऋतिक पांडे जी, थैंक यू, और हम लोग फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा फिल्म बना रहे हैं हम लोग। और प्रिंस भाई हैं हमारे, निकल रहे हैं, ठीक, प्रिंस भाई हैं हमारे, और हम लोग मिल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब बहुत अच्छी फिल्म बना के दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं। किस तरह से इस कहानी का ताना बाना बुना गया, जिससे मार्टी ताना बाना ज़्यादा तो नहीं ओपन कॉल करो, कहें कि जब सब ओपन कर तो क्या हुई, लेकिन एक थोड़ा सा बताओ थे हम कि बिहार में दारू बंद है और यूपी का स्टोरी है, और विधायक रहते हैं संजय पांडे जी नेगेटिव, और कमिश्नर रहते हैं उमेश सिंह जी, इनका पॉजिटिव। अब वो चाहते हैं कि दारू का फैक्ट्री मैं गांव में खोलूं, सब किसानों का ज़मीन ले लूं, हड़प लूं वगैरह वगैरह, ये सब चलता है, इसी को लेके कहानी चलती है। और वो दोनों हीरो चाहते हैं कि ये सब काम ना हो, क्योंकि एक जगह पे बंद है दारू, तो यहाँ पे अगर चालू होगा तो फिर यहाँ पे सब यंग लड़के जो भी हैं बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। उसी को रोकने में पारिवारिक भी फिल्म है, स्वच्छता अभियान के लिए भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी है, बहुत सारा मैसेज है सर इसमें, लेकिन अब इससे ज़्यादा नहीं ओपन करेंगे, क्योंकि बनाने के बाद सबके सामने जाएगा। फिल्म के प्रोड्यूसर साहब के बारे में क्या कहूँ, फिल्म के प्रोड्यूसर साहब तो बहुत लाजवाब हैं, और हमारे प्रिंस भाई, हमारे पंडित जी, यह है अभिषेक मिश्रा, एक्टर भी हैं, पंडित जी भी काम करते हैं, और हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत धैर्य और बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि गुस्सा भी बहुत करते हैं तेज, और शांत भी बहुत हैं एकदम, तो हम लोगों को काम उसी तरीके से कर रहे हैं इनके साथ में, अब बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं इनके देख रेख में, इनके निगरानी में। रंगलाल जी, आज ऋतु का जन्मदिन है, आज फिल्म का मुहूर्त भी हो रहा है। हाँ सर, बधाई दूंगा मैं, मेरे पूरी टीम मुहूर्त में तो ऋतु जी नहीं आ
पाई, हमको बहुत अफसोस हुआ सर, और हमारी पूरी टीम के तरफ से उनको हम देना चाहेंगे बधाई उनके जन्मदिन का, और जहाँ भी हैं अगर सुनेंगे तो उनको 50 साल तक जिए, हमारी यही शुभकामना है सर उनको। अब्दुल जी आप क्या बधाई दें ऋतु जी को? बहुत बहुत शुभकामनाएं यार, मुझे तो पता नहीं था कि आज ऋतु जी का बर्थडे है, मुझे पता सुन के बहुत मतलब ये लगा, मुझे अचानक से मुझे पता चला, मुझे अच्छा लगा जो उनका जन्मदिन है और आज ही के दिन हमारी फिल्म का मुहूर्त है, तो उनको हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऋतु जी स्पेशली आपको विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। हीरो नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? अभी वो लखनऊ में फिल्म शूटिंग चल रही है दिलीप गुलाटी जी के साथ, तभी वहीं पर। अच्छा। गौरव झा भी नहीं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में है, और अब हम लोग सब अफसोस तो है, संजय पांडे जी भी नायगांव में शूटिंग में फंसे हुए हैं, बाकी सब के सर, उमेश सर, बाकी सब यहाँ पे अवेलेबल हुए जो भी थे। और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? क्या कहना चाहेंगे सर, दर्शकों के नज़दीक पहुँचाएंगे हम लोग, अच्छी एक मूवी बना के दर्शक हमको अपना प्यार दुलार सब दें, और आप हाँ मैं बता रही हूँ, मैं हूँ ऐश्वर्या चौबे, बॉलीवुड एक्ट्रेस, ऋतिक पांडे जी मेरे भाई हैं, ये बेहद खुश हैं, एक्साइटेड है कि कब स्टार्ट करें मूवी को, और जहाँ तक मैंने सुना फिल्म के बारे में, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें सस्पेंस रखी जा रही है, और शायद एक प्यारा सा ये मैसेज देना चाहते हैं हमारे डायरेक्टर सर और प्रोड्यूसर जी कि दारू जैसे बंद है उसके ऊपर यंग जनरेशन को बेस्ट एक मैसेज देना चाहते हैं, आई थिंक मेरी सोच ये है। खैर मुझे बहुत खुशी है कि सब मिलजुल के काम करें, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी तरफ से ढेरों ब्लेसिंग, अच्छे से काम करें, और खुश हैं। फिल्म की शूटिंग कब होगी और कहाँ की जाएगी? सर फिल्म की शूटिंग हम लोग का प्लानिंग है कि अभी इस मंथ के लास्ट में निकलेंगे, वो देवरिया और गोरखपुर में हम पूरी कंप्लीट करेंगे फिल्म को, और हमारे संजय भूषण जी और रामचंद्र यादव जी, हमारे दोनों भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, दोनों भाई हमारा सपोर्ट करें और कर भी रहे हैं, और अभी नहीं शूट तक और रिलीजिंग तक। ऐश्वर्या चौबे इस फिल्म में नजर आएंगी? नो, मैं खुद को हॉलीवुड के लिए तैयार कर रही हूं। ये नहीं आएंगी नजर, हॉलीवुड की नहीं, चाइनीज फिल्म है ये नहीं नजर आएंगी, हमारा खाली हौसला बढ़ाने, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे बैठी है। मेरे घर की फिल्म है, मेरे घर की फिल्म है, मैं कैसे नहीं आऊंगी? हाँ मैं काम नहीं कर रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं हूँ तो साथ में। बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा भी फिल्म भरोसे पर नहीं आती है, उनकी अलग बात है। प्रियंका चोपड़ा भी तो प्रोड्यूस कर दी भोजपुरी फिल्म, हर किसी की सोच है। असल में क्या है कि ऐश्वर्या जी भोजपुरी जमीन से है, भोजपुरिया है, पर वो एक अच्छी मॉडल है और बॉलीवुड में काफी दिनों से काम कर रही है, भोजपुरी फिल्म में एक्ट नहीं कर सकती पर प्रोड्यूस तो कर सकती है। बताना मुश्किल है, शायद कल को कर भी लो, क्योंकि मैं मोटी हूँ, सबको बताना मुश्किल है, भोजपुरी कोई गलत बात नहीं है, हमारी मातृभाषा है। आप भी बॉलीवुड फिल्म कर चुके हैं, ऐश्वर्या चौबे साथ कब नजर आएंगे? हीरो जी ऐश्वर्या जी मौका देंगे, बेल भाई मौका दे दीजिए टीवी के सामने, हम लोग बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, आएगा वो भी दिन जल्दी आएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों से, मैं कहना चाहूँगा भाई ये फिल्म बड़ी मेहनत से बनी और इस फिल्म में बहुत अच्छा मैसेज है, और मैसेज के साथ साथ फुल एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है, एंजॉय करेंगे, गाने अच्छे हैं, एक्शन है जो भोजपुरी में चाहिए होता है, तो मैं दर्शकों से यही कहूँगा प्लीज़ एक बार इस मूवी को जरूर देखिएगा, आपका प्यार जरूर दीजिएगा, धन्यवाद। वैसे है तो बच्चा पंडित जी ओके ये भगवान के बजाय एक्टरों के ऊपर फूल पत्ती फेंक रहे थे, पहले क्या है तो मैं ये सस्पेंस जानना चाहूंगी, ऐसा क्यों? जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमने गणेश जी का पूजन किया, पर इनमें से कोई गणेश जी नहीं है, नीचे गणेश जी है, पहले हमारी बात सुनिए, नीचे गणेश जी है तो पहले हम गणेश जी का पूजन करते हैं, उसके बाद जिस कार्य की हम प्रारंभ करते हैं उसके लिए प्रार्थना, भगवान अभी पोस्टर है ये लोगो है हमारा, तो इसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क के इसको शुद्ध करके पवित्र टीका लगा के बढ़िया बलि भुआती, ताकि आप लोग बढ़िया अच्छे से विधिवत कार्य कर सके। क्या आप सारे लोग सहमत है इस बात से? हमारे साथ से तो हमारी मीडिया को भी सहमत है, इसी तरह से जब किसी भी फिल्म रिलीज होती है तो उसके ऊपर जो है धूप और
पूजा करके ही साहो मूवी रिलीज हुई थी प्रभास सर है उनके पोस्टर को दूध से स्नान करवाया जा रहा था मैम है, है, है। हम आपको सबूत दे सकते ये बात सॉरी माफ कीजिएगा मेरा क्वेश्चन नहीं था ये संजय ने मेरे कान भरे थे संजय चले गए कोई नहीं पंडित जी इसीलिए ताकि आपका डाउट क्लियर कर सके इसीलिए तो पंडित जी बनाए जाते हैं आप लोगों का मार्गदर्शन फिल्म में तो अभी मुझे भी ये भी संक्षेप में रखा गया है लेकिन जो हमारे सर डायरेक्टर साहब हैं तो ये मेरे लिए कुछ सोच के ही रखते हैं और ये मेरे को बहुत ही अच्छा कार्य देते हैं जो कि जानते हैं कि ये चीज अभिषेक मिश्रा बाखूबी से कर पाएगा वही चीज अभिषेक मिश्रा को सौंप देते हैं तो मैं ये तो हमारे इंडस्ट्री के गुरु हैं तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सर आप कुछ समझ के ही मेरे लिए रखे होंगे मुझे वो बाद में बताएंगे और ये भी आप लोगों के लिए एक संक्षेप है Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.